क्या लिखा है? डायरेक्शन। देखिए अपलाइन का मतलब समझते हैं आप? अपलाइन बोले तो लाइफ लाइन, ठीक है। लाइफ लाइन मतलब कोच कोच कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग अपलाइन का मतलब टैलेंट समझते हैं और वो टैलेंट क्रॉस करने चक्कर में तो वो जहन करते रहते हैं। यस सर। पहला सवाल, इस दुनिया में एक से बढ़कर एक बंदा टैलेंटेड है। यस। तो पेंशन बना नहीं पाओगे। अपलाइन का मतलब क्या होता है? देखिए अप्लाइन मीन्स यहां दो कंडीशन है और जीवन में दो व्यक्ति हैं। आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन आप में टैलेंट था, स्मार्टनेस थी, किसी इंसान ने आपको मजबूर किया घर से निकालने के लिए। आप तो करना चाहते नहीं थे, किसी व्यक्ति ने बार बार घर में आकर बार बार जोड़ा, फिर जुड़ने के बाद तुम घर से निकलना चाहते नहीं थे, किसी ने जबरदस्ती पीछे पड़ के चलो 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 लेकर गया। आने वाले वक्त में आप उस इंसान से पढ़े लिखे थे, आप उस इंसान से अच्छे पागल बन गए, बन जाओगे। आप उस इंसान से अच्छे ट्रेनर बन गए, बन जाओगे। आप उस इंसान से अच्छे मोटिवेटर बन गए, बन जाओगे। आपकी स्टाइल से अच्छी हो गई, हो जाएगी। फिर आपको बंदा क्लिक नहीं करता। एक बात याद रखनी चाहिए मेरे भाई, इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा हितैषी, हमारा सबसे बड़ा अच्छा आने वाला, जब मेरे पास अच्छी बातें नहीं थी, मेरे में खुद में कोई विश्वास और कॉन्फिडेंस नहीं था, जब मेरे पास कार नहीं थी, अकाउंट में बैलेंस नहीं था, पॉकेट में पैसा नहीं था, तब जिस व्यक्ति ने तुम्हारा की हाथ थामा वो बंदा था वो। कल आपका रैंक होगा, लेवल होगा, स्टेज मिलेगा, सम्मान मिलेगा, डायलॉग मिलेगा, अच्छे वक्ता बन जाओगे, तब तो मेरे दोस्त तुम्हारी बोली लगाने वाले दुनिया भर के मिल जाएंगे। पर याद रखिए, वो बोली आपकी नहीं लगती, वो बोली एक पहचान एक रैंक को लगती है। हमेशा जीवन में याद रखिए, जब आप में क्वालिटियां नहीं थी तब किस व्यक्ति ने पीछे पड़ के घर से निकाला, हमेशा वो इंसान आपके जीवन में सम्माननीय होना चाहिए। सेकंड बात, देखो कल आपसे बिजनेस कौन कराएगा, कल आपको कौन आगे बिजनेस में चलाएगा, बहुत ऑफर मिलेंगे, ठीक है। और जब आदमी चल जाता है ना फैसला करके, तो दुनिया जाती है क्रेडिट लेने के लिए कि मैंने कराया, मैंने समझाया। पर हमेशा जीवन में याद रखो उस इंसान को जिसकी वजह से आप इस इंडस्ट्री में आने का फैसला लिया। अगर वो तुम्हें फैसला ही नहीं कराता तो तुम्हारा हुनर, तुम्हारी क्वालिटी, तुम्हारी पर्सनैलिटी किसका भी समझ सर नहीं। सेकंड बात, सेकंड चीज, जब तुम अच्छे वक्ता, ट्रेनर, क्लोजर, फॉलोअर, ट्रेनर, मोटिवेटर बनोगे, अचीवर बन जाओगे, कार वाले बन जाओगे, तो दुनिया भर के नाम अननोन लोग आपसे मिलकर के जुड़ना चाहेंगे, बड़ा बड़ा टीम ले आएंगे, ऑफर बहुत सर ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर फिर एक बात याद रखिए, जब तुम खुद पर्सनैलिटी नहीं थे, तुम खुद कार में नहीं थे, तुम खुद अच्छे वक्ता नहीं थे, तब कुछ लोगों ने आपकी अचीवमेंट, आपका फेस, आपका टैलेंट, आपका फ्यूचर देख करके नहीं, बिना टैलेंट के आपको पैदल चल के आपकी नीयत को देखकर कुछ लोगों ने आपके साथ जुड़ने का फैसला किया था। मेरे दोस्त सबसे प्रिय आपके वही लोग हैं, उनके लिए काम करो, उनको बड़ा बनाओ, उनको अचीवमेंट कराओ, वही आपके जीवन में सबसे अच्छे लाइफ।